हिंदुस्तान ने सेम एटीट्यूड, सेम गुस्सा, सेम काइंड ऑफ ब्रांड ऑफ क्रिकेट जो खेली वो ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया खेलता है उनके खिलाफ खेली, जिसको हम लोग क्रिकेट का बाबा कहते हैं, आईपीएल के किंग्स ने जाके ना उन लोगों की ऐसी पिटाई लगाई है, ऐसी पिटाई लगाई है कि ये लोग सदियों तक याद रखेंगे। अगर ये ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड 160 ना बना पाई तो बेटा पाकिस्तान की मेन साइड को लाके इस इंडिया के सामने छोड़ दो, यकीन करो 5-0 बचेगा, 5-0 पाकिस्तान को बचेगा। इंडिया ने घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया का घंटा बज चुका है। अरे मैथ्यू वेड, हर कोई शाहीन शाह अफरीदी नहीं होता। इंडिया के जो नौजवान टैलेंट है ना, बच्चिया ने चंदे कराइए, दो दो क्या कहते पानी में भिगो भिगो के मार गया। वो कहते हैं ना बड़े मियां तो बड़े मियां, उनके छोटे मियां भी सुभान अल्लाह। वो पिछले 10 साल से क्रिकेट पे राज कर रहे हैं, वो आप कोई भी फॉर्मेट देख लें, तीनों फॉर्मेट में हम, क्योंकि अभी तक भी उनकी रैंकिंग अगर देखते हो तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 है। बिल्कुल, वर्ल्ड कप का बदला लिया है, इतनी बड़ी टीम से, ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम से आप बी टीम खेल रही है, तो मेरे ख्याल से ये बहुत बड़ी एक चपेट है ऑस्ट्रेलिया के मुंह पे जो इंडिया की बी टीम ने मारी है। मतलब आज 160 रन भी नहीं बनाने हुए, और बगैर तो कुछ शर्म कर लो थोड़ी सी, बातें आप इस तरह कर रहे होते हो, ट्रॉफियां आप इस तरह लेके जा रहे हो जिस तरह, मतलब आप ही हो यार, क्या लुल्लट टीम है आपकी, घंटा बजा दिया इंडिया ने पकड़ गया। मैथ्यू वेड की जो घंटी बजी है, मैथ्यू वेड का जो घंटा बजा है, यंग ऑस्ट्रेलिया का जो है, यंग इंडिया ने जो ऑस्ट्रेलिया का घंटा बजाया, मेरा दिल हो जो के रह गया यार। इंडिया है, नो वन इज लाइक इंडिया। हर्षदीप का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि वो डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं करता, तो लेकिन जिस तरह आज उसने बॉलिंग किया और 4-1 से सीरीज जीती, ऑलमोस्ट वाइट वॉश कर दिया है। ये कि बी टीम के प्लेयर थे, ऑस्ट्रेलिया की ए टीम के प्लेयर थे, वर्ल्ड चैंपियन आए हुए थे, जो भी रिसेंटली वर्ल्ड चैंपियन बन के गए हैं वो प्लेयर आए हुए थे, वो भी इंडिया की बी टीम का मुकाबला नहीं कर सके। अब देखें, एक मैच जो जीते हैं, बाय लक जीते हैं, मैक्सवेल आ गया था उसमें, लेकिन देखें फिर भी लास्ट बॉल तक वो मैच लेकर, कहते नहीं है वो एक दूसरे के मुंह से निकाल लेनी अपनी पसंदीदा चीज, इंडिया ने कि खैर है जो वर्ल्ड कप पे पांव रखे थे वो लिया नहीं, ऐसे ऐसे एक मैच के बाद स्लिप होता गया और आज पांव नीचे गिर गया। आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया, अब आओ ना जरा रिकी पॉन्टिंग, जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के, ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत गया हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा कोई बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक, बेटा उस दिन मैक्सवेल ना चलता, तेरा अब्बा भी नहीं था जीत सकता इंडिया से। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से कल भारतीय यंग टीम ने ऑस्ट्रेलिया की मैच्योर टीम को हराकर इस 5 मैचों के T20 सीरीज में 4-1 से अपने नाम कर लिया है, और जिस तरह से हरसदीप सिंह ने लास्ट ओवर में 10 रन देना था लेकिन हरसदीप सिंह ने सिर्फ 4 रन दिए और इस मैच को आसानी से 6 रनों से जीत लिया। जिस तरह से भारतीय गेंदबाजी ने आज प्रदर्शन दिखाई है, पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की एक भी नहीं चली। या कि यंग टीम ने आपका पकड़ के घंटा बजा दिया, आपके अंदर पकड़ कर डंडा दे दिया, अब आओ ना जरा रिकी पॉन्टिंग, जरा बाहर आ, अब बाहर आ, बकवास कर बैठ के, ऑस्ट्रेलिया एक मैच जीत गया हम बाउंस बैक करेंगे। बेटा कोई बाउंस बैक तेरे अंदर बैक कर दिया, तेरी बैक में दे दिया वो बाउंस बैक, बेटा उस दिन मैक्सवेल ना चलता, तेरा अब्बा भी नहीं था जीत सकता इंडिया से। कोई शर्म करो थोड़ी सी, इंडिया की थर्ड क्लास ये बॉलिंग लाइन अप है, बुमराह नहीं है, शामी नहीं है, उसके बाद सिराज नहीं है, कुलदीप नहीं है, जडेजा नहीं है, और उसके बावजूद भी रवि बिश्नोई को नहीं खेल पा रहे आप लोग, तो क्लास देख लो फिर रवि बिश्नोई की, कि वो भी घंटा बजा रहा है। अक्षर पटेल बेटा आपके अंदर पढ़ के फुट रहा है, पढ़ के फुट रहा है आपके अंदर, क्या लुल्लड़ किस्म की टीम हो, नहीं ये ट्रैवल से हटे क्या है, करे ना आज ना करे जीतता तो टीम को जिताता। बेटा मेरी एक बात सुनना, विराट कोहली आपके, वो कहते ना आप जसप्रीत बुमराह वर्सेस डेविड वार्नर मैच टू मैच हो जाता है, उनसे जीत जाओ एक अलग बात है, और आप इंडिया के बच्चों से हार रहे हो ये ज्यादा जलालत की बात है। इंडिया के बच्चे आपको आके जलील जलीलो हवार कुत्तों वाली हार दे के वापिस भेज रहे हैं। और जिस तरह श्रेयस अय्यर खेले, उसके बाद जितेंद्र शर्मा खेले और अक्षर पटेल इवन किया, जिस तरह के उन्होंने 31 रन किए आगे, तो यार बहुत रिस्पॉन्सिबल इनिंग थी, और जिस तरह उनकी बॉलिंग ने आके उस चीज पे काम किया आगे, जिस तरह अक्षर पटेल ने बॉलिंग किया, उसके बाद लास्ट ओवर हर्षदीप ने, हर्षदीप पे उम्मीद नहीं थी, मुझे लग रहा था कि यार इंडिया ये मैच हार जाएगा। हर्षदीप का ट्रैक रिकॉर्ड ऐसा है कि डेथ ओवर में अच्छी बॉलिंग नहीं करता, तो लेकिन जिस तरह आज उसने बॉलिंग किया और 4-1 से सीरीज जीती, ऑलमोस्ट वाइट वॉश कर दिया है, तो कंग्रेचुलेशन टीम इंडिया। देखिए इंडिया जैसे टैलेंट प्रोड्यूस करता आ रहा है, अय्यर को खिलाया है, कोई ना कोई बैट्समैन चले ना चले एक बैट्समैन उनको बॉलर जितवा ही जाता है उनको। सर देखिए उनका माइंडसेट बड़ा क्लियर है, उनका विजन बड़ा क्लियर है, उन्हें पता है कि यार हमने टीम की जीत के लिए खेला है, हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली है, वो आते सर दूसरी टीम को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, वो ये नहीं करते कि यार मैंने अपना 30-35 कर लिया, यार मेरी जगह पक्की है, मुझे अब नेक्स्ट सीरीज में कोई नहीं निकाल सकता, अब मैं जाऊंगा टीम, जब वो उनके जहन में ये चीज चलती है आप 30-35 रन करके आउट हो जाते हो। हमने देखा है बाकी साइड से, और बेसिकली पाकिस्तान की साइड से हमने देखा है, हमारे भी पीएसएल से लड़के जाते हैं क्या करते हैं, ऊपर जाके उनसे बॉल नहीं टच होती, और इनके लड़के देखें आईपीएल से निकले हैं, उन्होंने दो दो के मैं कहता हूं ऑस्ट्रेलिया को इतना मारा है कि ऑस्ट्रेलिया अब अफसोस करा गया यार हमने वर्ल्ड कप क्यों जीता। आना रिकी पॉन्टिंग बायर, तेरा घंटा बजा दिया पकड़ के, तेरा घंटा पकड़ के बजा दिया, अब फिर स्टेटमेंट दे देना कि पिच अपनी मर्जी की बना लिया जी, पिच अपनी मर्जी की बना लिया, और मेरे घंटे के रिकी पॉन्टिंग अब ये बाबर आजम की टीम नहीं है, ये भाई इसको मार देगा, ये टीम इंडिया है, ये यंग टीम इंडिया है, इसमें टैलेंट प्लस स्किल मिलता है और घंटा बजता है,
4-1 से इंडिया की यंग साइड ने माइटी ऑस्ट्रेलिया को ठोक के जलील करके, इनके शट्टे टाट करके, इनकी चटिया गीली करके, इनका पेशाब निकाल के भेज दिया ऑस्ट्रेलिया। नहीं छनकना लेके गई इधर से बड़े आप अंग, इधर पाकिस्तान में बातें हो रही थी, ये इंडिया की यंग साइड एक आधा मैच जीत जाएगी ऑस्ट्रेलिया से, बाकी तो ऑस्ट्रेलिया ने जीतना। निकलो भाई रस्सी की तैसी, निकलो भाई सारे, वो देखो इंडिया की यंग साइड ने फेल दिया ऑस्ट्रेलिया को। कम अज कम 160 रन आपको बना लेने चाहिए थे, मतलब वो भी इंडिया डिफेंड कर गया। यार मुझे बात सुनो, उनकी बैटिंग 235 भी करती है, उनकी बॉलिंग 160 डिफेंड भी करती है, मतलब उनकी बॉलिंग भी वर्ल्ड क्लास है, उनकी बैटिंग भी वर्ल्ड क्लास है। और ये बात मैं कह रहा हूं, अगर ये ऑस्ट्रेलिया की मेन साइड 160 ना बना पाई तो बेटा पाकिस्तान की मेन साइड को लाके इस इंडिया के सामने छोड़ दो, यकीन करो 5-0 बजेगा, 5-0 पाकिस्तान को बजेगा। मतलब इंडिया ने प्रूव करना था, इस सीरीज में इंडिया अपने नाम कर ही चुका था ऑलरेडी, लेकिन इंडिया ने प्रूव करना था कि इंडिया इंडिया है, नो वन इज लाइक इंडिया, और वो उसे प्रूव कर दिया। आप देखें ब्लू 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 ऑल ब्लू, दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ यू इंडिया। आप लोगों ने ना, आप लोग हमेशा प्रूव करते, आप लोगों पर ट्रस्ट किया जाए ना, आप लोग उस पीस पूरा उतरते हो, एंड दैट इज समथिंग आई वुड से सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। जहां पर वेड ने चौके मारने शुरू कर दिए, मैं कहा लो भी, मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा नहीं इससे आगे हमसे ना हो पाएगा, हम नहीं देख सकते। लेकिन यार तुम लोग क्या करते हो, तुम लोगों ने जो आउट पे आउट आउट पे आउट उसके बाद शुरू कर दिया, इंडिया ने घंटा बजा दिया ऑस्ट्रेलिया का घंटा बज चुका है। अरे मैं तू वेड, हर कोई शाहीन शाह अफरीदी नहीं होता, तू क्या समझा शाहीन शाह अफरीदी है, 3 छक्के लगाऊंगा भाई। दिस इज इंडिया, ये इंडिया का पावर है, ये इंडिया की टीम है, ये इंडिया के यंग खिलाड़ी है। तुम लोगों का नानी याद करा के रख दिया, ट्रॉफी पे पावर रखते हो तुम लोग, डिसरिस्पेक्ट करते हो इंडिया की, मजाक उड़ाते हो। अरे तुम्हारे लिए तो इंडिया के यंग खिलाड़ी ही काफी है, यंग लड़के ही काफी है, वो आउट ऑफ फॉर्म है श्रीदीप सिंह यार, कोई बुमराह नहीं है, कोई शामी नहीं है, कोई और नहीं है यार। ये टीम इंडिया, ये स्पेशली इंडिया देश में जो एक नई रूह फूकी हुई है कि भाई दुनिया पे राज करना है, दुनिया को फतह करना है, दुनिया को जीतना है, ये वही झलक है। चाहे श्रीदीप हो जाए, रवि बिश्नोई हो जाए, मुकेश कुमार हो जाए, अक्षर पटेल हो जाए बैटिंग में, सूर्य कुमार यादव हो जाए कप्तानी में, ये इंडिया एक मिशन पे है, यंग इंडिया यार। सूर्य कुमार यादव जो अच्छा कप्तान नहीं है, जिसका कप्तानी में कोई नाम नहीं है, जासवाल सेल्फलेस होके खेलता है, 5 मैच हो गए भाई जान, 5 मैच हो गए, मैं कहते कहते मर गया, जासवाल 70 80 लगा, वो सोचते हैं दिल में, अरे उस्मान तो पाकिस्तान से कहते रहो, मेरे लिए इंडिया पहले है। श्रीदीप ने जो बॉलिंग किया मैच्योर था, बाकी प्लेयर से मैच्योर था, क्योंकि एक दो T20 वर्ल्ड कप खेला हुआ 21 और 22 का, तो उसने अपने मैच्योरनेस दिखाई है और उसने इंडिया को जीत कराई है। हालांकि 10 ओवर T20 में आखिरी आखिरी ओवर में 9 भी आउट हो जाता चाहिए यार, एक छक्का एक चौका कोई बात नहीं होती, लेकिन अर्शदीप ने कहा भाई आज नहीं रोज रोज जुमेरात नहीं होनी। सर देखें बाकी इंडिया के वर्ल्ड परफॉर्मेंस की आप क्या कहेंगे यार, माइंड ब्लोइंग, 3 हमें टैलेंट मिल गए हैं, 3 नहीं तो 2 तो पक्के हैं ना, एक गायकवाद और एक रिंकू सिंह यार। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया भारतीय टीम की जमकर तारीफ कर रही है, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने कल प्रदर्शन दिखाया, भारत की आईपीएल की यंग टैलेंट टीम है, और जो ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरीके से ए टीम है जो T20 में खेलती है, उसको भारतीय टीम ने इस 5 मैचों की T20 सीरीज में 4-1 से हराया। आप सोच सकते हैं कि अगर उस दिन मैक्सवेल टीम में नहीं आया होता तो उस मैच को भी हम आसानी से जीत गए होते, और इस 5 मैचों के T20 सीरीज को अपने नाम कर लिए होते 5-0 से। लेकिन जिस तरह से मतलब भारतीय टीम ने इस मैच में प्रदर्शन दिखाई है, पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों के ऊपर डोमिनेट करती हुई नजर आई। जिस तरह से शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम हार जाएगी, लेकिन जिस तरह से मतलब मुकेश कुमार ने 3 विकेट झटके पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की कमर ही तोड़ डाली। उसके बाद अर्शदीप सिंह ने जो लास्ट ओवर में थ्रिलर मतलब रोमांच पैदा किया था, वो मतलब देखने लायक था, सभी ने देखा, और काफी मतलब सभी लोग यही कह रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया जीत जाएगी, क्योंकि यहाँ पे भारत की यंग टीम है और ऑस्ट्रेलिया की पूरी तरीके से मैच्योर टीम है, तो आसानी से जीत जाएगी। लेकिन अर्शदीप सिंह ने ऐसा होने नहीं दिया, और जिस तरह से बॉलिंग कराई, सिर्फ 4 रन दिए लास्ट के ओवर में, जिसमें 10 रन चाहिए था, और भारत इस मुकाबले को 6 रनों से आसानी से जीत गया, और इसके साथ ही भारत 5 मैचों की T20 सीरीज को 4-1 से अपने नाम कर लिया है, और ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से फेंटा लगा दिया।
और जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाई, पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज नाकाम हो गए भारतीय गेंदबाजों के सामने। लेकिन आपको बता दें कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया इस पर भी बातें कर रही है कि मतलब भारत की काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर थे आईपीएल के, लेकिन आपको बता दें कि भले ही आईपीएल खेले हों लेकिन मतलब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इनकी कोई एक्सपीरियंस नहीं है, जिस तरह से हमारे भारतीय टैलेंट थी, यंग टैलेंट थी। लेकिन मतलब इन पाकिस्तानियों को चुलमती होती है कि भारत की किसी तरीके से मतलब तारीफ ना करें। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से भारतीय टीम ने प्रदर्शन दिखाई है, इसकी तारीफ तो बनती है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है और आपको कैसा लगा कल भारतीय टीम की बल्लेबाजी और गेंदबाजी देखकर, खास करके हरसदीप सिंह का वो लास्ट ओवर? हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।